जय सियाराम, जय जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी पांच बातें बताएंगे, अगर इन पांच बातों का आप त्याग कर देते हैं और ब्रह्मचर्य के साथ, नियम के साथ, जैसे हमने अन्य वीडियो में बताया है, राम नाम का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपको श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। श्री राम जी से आपका विशेष स्नेह हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी और आप जो चाहते हैं वो आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। राम नाम का जाप अपने आप में महामहिमा में है। जो राम नाम का जाप करते हैं, उस जाप की शक्ति, उस जाप का प्यार वही जानते हैं जिन्होंने उस जाप को किया है। अगर आप बंदर से अदरक का स्वाद पूछेंगे तो बंदर को अदरक का स्वाद पता नहीं होता है, क्योंकि उसने उसे खाया नहीं है। अगर बंदर को भी अदरक का स्वाद यानी अदरक खवा दिया जाए, चखा दिया जाए, तो उसको भी उसके स्वाद का रसास्वादन लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसी तरह से जिन्होंने राम नाम का जाप नहीं किया, जिन्होंने कभी मंत्र जाप नहीं किया, तो अगर उनको आप राम नाम की महिमा के बारे में बताएंगे, दिव्य शक्तियों के बारे में बताएंगे, तो उनको इस विषय में बेशक ही आप चाहे जितना समझा लीजिए, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन इससे आने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस नाम का रसास्वादन नहीं किया है। पूरे नियम के साथ, निरंतरता के साथ अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपके अंदर श्री राम जी से प्रेम, स्नेह, आपके ब्रह्मचर्य में मजबूती और आपकी जो विचार शक्ति है वो पवित्र होती है, सोचने की शक्ति और आपकी विचारक कुशलता यानी कि आप विचार करने की जो शक्ति है वो उच्च स्तर की हो जाती है। आप हर चीज पर फैसला कर पाते हैं, सही गलत का आप निर्णय ले पाते हैं, और जो सही गलत का निर्णय ले लेता है वही अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। जो सबसे पहली बात है वह यह है कि कभी भी जो राम नाम का जाप करते हो वह जुआ ना खेले, जुए के व्यसन में उनको कभी नहीं पड़ना है। जो दूसरी बात है वह यह है कि वह मांस कभी ना खाएं, यानी कि अवश्य पदार्थों का सेवन ना करें और हो सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें। जो तीसरी बात है, और ये तीसरी बात जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, जो यह है कि आप पर स्त्री का गमन ना करें, यानी कि कभी भी पर स्त्री के साथ रति क्रिया में संलग्न ना हो, पराई स्त्री की तरफ को दृष्टि से ना देखें, पराई स्त्री को हमेशा ही आप माता की दृष्टि से देखें, अपनी बहन की दृष्टि से देखें। जो चौथी बात है वह यह है कि आप झूठ ना बोलें, यानी कि किसी जगह पर अगर किसी की जान बचती है आपके झूठ से, वहां पे झूठ बोल दिया जाए तो उस झूठ का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका पाप नहीं होता है। और अगर वैसे ही आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में आप निराश होकर और अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, यानी कि आप दंभ करने लग जाते हैं, तो यह भी राम नाम के जाप में बाधक की स्थिति को दर्शाता है। जो पांचवा और जो छोड़ने योग्य चीज है वह यह है कि आप कभी भी किसी भी तरह से अगर आपको नाम जाप से अलग किया जाए तो आपको ऐसे लोगों का त्याग कर देना है, आपको ऐसे लोगों का संग करना है जिनसे आपकी नाम प्रियता बढ़े, राम नाम में आपका मन लगे और राम नाम या श्री राम जी में आपकी भक्ति प्रबल अवस्था को प्राप्त हो। आपको ऐसे लोगों का हमेशा ही सानिध्य करना है, सहयोग में रहना है और इनके संगत भी आपको करना है। वो कहते हैं ना, जैसा आप करेंगे संग वैसा चढ़ेगा आप पर रंग। अगर आप दुष्ट लोगों का संग करेंगे तो दुष्टता आपके अंदर स्वाभाविक ही आ जाएगी, लेकिन अगर आप संतों का, सज्जनों का संग करते हैं तो आपके अंदर भी साधुता, सज्जनता स्वतः ही प्रकाशित होने लग जाएगी। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, ये पांच बातें अगर आप त्याग देते हैं तो आपके जीवन में राम नाम के चमत्कारों को होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हम आपको गारंटी देकर कहते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है, वही बातें आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। अगर आपको यह पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय सियाराम, जय जय हनुमान।